बिहार राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन द्वारा अपने मांगों की पूर्ति के लिए अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल पूर्णिया के समक्ष सैकड़ों कर्मचारियों एवं मजदूरों ने आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सूचना के बावजूद अधीक्षण अभियंता अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गए। फलस्वरूप कर्मचारियों ने उनके कार्यालय के गेट के सामने जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में तथा भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता और सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान करना होगा, मजदूरों को खेतों में सिंचाई के लिए सालों भर काम देना होगा, मौसमी मजदूरों की सेवा नियमित करनी होगी, हर खेतों तक सिंचाई का पानी देना होगा। उन्होंने हुए समझौते को लागू करने की भी बात कही। मौसमी मजदूर को नियुक्ति पत्र देने की भी बात उन्होंने कही है। लंबित ACP मामले का निष्पादन करना होगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित मामलों का समाधान करना होगा। इसका उद्देश्य है कि नहरों पर काम करने वाले सिंचाई मौसमी ये मजदूर है, ये खरीफ और रबी मौसम में इन्हें रखा जाता है, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, इन्हें श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान करने का नियम है, लेकिन काम करने के बदले इन्हें 2 वर्षों से इन मजदूरों का मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। यह अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल पूर्णिया और इनके अधीन काम करने वाले तमाम कार्यपालक अभियंता सारे मजदूरी का घोटाला कर लिया है और इसीलिए आज धरना कार्यक्रम करना पड़ा है। आपको एक सूचना मैं आज दे दूं, अभी भी आज ही और कल ही अखबार में आया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घोषित हर खेत को सिंचाई का पानी कार्यक्रम चलाया गया है। यह खेतों तक पानी पहुँचाने का काम का जो यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से लिया गया है, यह काम ये लोग पहले से ही कर रहे हैं नहरों पर। अगर नहरों के माध्यम से किसानों को खेत तक पानी अगर चला जाए तो किसी भी तरह का ऐसा कार्यक्रम लेने की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी को नहीं पड़ेगा, बल्कि सिंचाई के लिए खेतों में पानी पहुंचाने के नाम पर जो करोड़ों रुपये का हर वर्ष घोटाला किया जाता है इस इंजीनियरों के द्वारा, फिर हर खेत को सिंचाई के लिए पानी कार्यक्रम में एक बार फिर इन इंजीनियरों को अभियंताओं को घोटाले करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा और इस इंजीनियरों के लिए वरदान साबित होगा और किसी भी किसानों को खेत में पानी नहीं मिलेगा। आज का यह धरना कार्यक्रम इससे पहले 8 तारीख को इसी मांग के संबंध में हुआ था, 8 दिसंबर को अधीक्षण अभियंता फरार हो चुका था, आज फिर यह कार्यक्रम निर्धारित है, पूर्व से इन्हें सूचना दी गई है, फिर आज यह फरार हो गए हैं यहाँ से। यह अनिश्चितकालीन धरना है। यह यूनियन फैसला किया है अगर अधीक्षण अभियंता आकर के वार्ता करके प्रतिनिधि से समस्या का समाधान नहीं निकालता है तो इसके बाद आज से ही सेकेंड आवर से इस कार्यालय का तालाबंदी कर दिया जाएगा और जब तक अधीक्षण अभियंता यहां उपस्थित नहीं होगा, DM नहीं आएंगे, SP नहीं आएंगे, CIVIL SDO नहीं आएंगे, तब तक इस कार्यालय में तालाबंदी रहेगा, सारा काम बंद रहेगा। यह यूनियन का फैसला है। मुख्य मांग है नहरी क्षेत्र के किसानों के खेतों को समुचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिले, ऐसे पानी पहुंचाने वाले नहर पर काम करने वाले नहर मजदूरों का मुकम्मल मजदूरी का बकाया का भुगतान हो, इन मजदूरों को हर खेत को सिंचाई के लिए पानी कार्यक्रम के तहत सालों भर काम मिले, इनकी सेवा को नियमित किया जाए, नियमित कर्मचारियों के ACP का भुगतान हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोन्नति का निष्पादन हो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित मामले का निष्पादन हो, इसी तरह से अन्य मांगे हैं।